Hello students, good morning all. Now we are starting our lesson number 6, more on Tux Paint. आप सबका फेवरेट सब्जेक्ट Tux Paint. मुझे पता है आप सबको Tux Paint करने की बहुत जल्दी है, पर जब भी आप स्कूल आओगे तब मैं आपको करवाऊंगी. अभी मैं आपको सिखा रही हूँ, बट अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो आप प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू स्टार्ट द Tux Paint. तो आप सबको पता है स्टार्ट बटन ऑल प्रोग्राम के अंदर Tux Paint, बट हमारे डेस्कटॉप पे ही यहाँ पे Tux Paint हमको दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके वो खोल रही हूँ. ठीक है, ये विंडो खुलेगी. आप सबको पता है 2 मिनट के बाद ये स्क्रीन खुल जाएगी. इन अ फ्यू सेकेंड्स द मेन स्क्रीन ओपन्स. हमको थोड़ी वेट करनी पड़ेगी. ये देखो मेन स्क्रीन खुल गई है. अभी यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे आपको ये सब दिख रहा है उसको बोलते हैं टूल्स. यहाँ पे ये सब है ब्रशेज एंड सिलेक्टर्स. यहाँ पे आपको एरोस दिख रहे हैं, यहाँ से अलग अलग टाइप के ब्रशेस भी आ जाएंगे. ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है इट इज अ ड्रॉइंग एरिया. नीचे दिस इज अ कलर बॉक्स. ठीक है, अभी पेंट टूल. पेंट टूल कहाँ है? यहाँ पे मुझे दिख रहा है पेंट टूल. यहाँ पे जो दिख रहा है दिस इज अ पेंट टूल. इट इज सिमिलर टू ब्रश टूल इन द पेंट. देखो यहां से हमने पेंट टूल लिया, यहां से मैंने रेड कलर लिया, और मैं यहां से जो भी करूंगी है ना एकदम ब्रश के जैसा. ठीक है, समझ में आया? फिर है लाइन टूल. यहाँ पे आपको ये दिख रहा है लाइंस. ठीक है, अगर मैं ये लाइन टूल लूंगी तो जहां भी मैं ये करूंगी यहाँ पे मुझे स्ट्रेट लाइन ही मैं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने क्या लिया था, लाइन टूल लिया था. नेक्स्ट है शेप्स टूल. यहाँ पे अलग अलग शेप है, तो मैं यहाँ पे जो भी ड्रॉ करूंगी ये शेप हो जाएगा. क्लियर? कोई भी शेप आई कैन ड्रॉ. यहाँ पे मैं शेप टूल क्लिक करूंगी और यहाँ पे देखो सिलेक्टर में क्या आ जाएगा, अलग अलग टाइप के शेप्स आ जाएंगे. वहां से मुझे जो भी शेप चाहिए वो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने उस तरफ से कोई भी शेप में लेके कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने टूल्स में से शेप्स लिए एंड यहाँ पे सिलेक्टर में क्या आ गए, अलग अलग टाइप के शेप्स. फिर नेक्स्ट है स्टैम्प. तो यहाँ पे सिलेक्टर में ये साइड में अलग अलग टाइप के स्टैम्प्स आ जाएंगे. ये बर्ड्स वाला है. फिर यहाँ पे देखिए आप किस किस तरह के स्टैम्प्स आते हैं. मछली है, ये देखो बटरफ्लाई है. मैं कोई भी किसी भी तरह के स्टैम्प्स यहां से ले पाऊंगी. देखिए एरो पे क्लिक करूंगी, अलग अलग फ्रूट्स है,
कितनी सारी तरह के स्टेम्स यहाँ पे है, ठीक है। यहां से टेक्स्ट हमको जो भी लिखना है, जैसे भी राइटिंग में लिखना है हम लिख पाएंगे। देखो यहां पे मुझे लिखना है ब्यूटीफुल, मैं यहां से इसकी राइटिंग और ये सब चेंज कर सकती हूं। अभी मुझे अगर न्यू फाइल चाहिए तो मैं कहां से लूंगी, यहां पे न्यू, न्यू में देखो ये सब स्क्रीन्स हमको दिखाएंगे, रेडीमेड पिक्चर्स भी है। अगर आपको रेडीमेड पिक्चर लेके उसमें कलर करना है, यू कैन ऑल्सो डू दैट ओपन करके, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया, अभी मैं इसमें कलर्स भी अलग अलग कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे और एक है सेव एंड ओपन, यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे एक विंडो खुल जाएगी, वहां पे आप सेव कर सकते हैं। एंड ओपन कहाँ से करोगे, आपकी जो पुरानी फाइल्स है यू कैन ओपन दैट। क्लियर टू एवरीवन? आई होप आप सबको ये सीखने में मजा आया होगा। घर पे अगर आप कंप्यूटर है तो यू कैन डू द टक्स पेंट, अदरवाइज जब आप स्कूल में आओगे तो मैं आपको सिखा दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।